सोने का भाव क्या हो गया आजकल? सोच से भी ज्यादा आप मेरे लिए सेट बनवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। चाय बनाऊं? हाँ, नूर कहाँ है? वो तो जब से कॉलेज से आई है अपने कमरे में बंद पढ़ाई कर रही होगी। आज इतनी देर क्यों हो गई? वो ऑफिस में एक पुराना जानने वाला आ गया था, उसके साथ बैठा था। मैं चाय बनाती हूँ। किसी और से कह दो ले आए। फसी, आप अच्छी तरह से जानते हैं इस घर में मेरे अलावा और कौन काम करता है। राबिया बेचारी जितना कर सकती है करती है, लेकिन उसकी तो आंखों की एलर्जी है ना। डॉक्टर ने खास कहा कि चूल्हे के पास ना जाए। और हमारी नूर, उसको तो आपने घर के कामों की आदत ही नहीं डाली। हालांकि मुझे लगता है कि ये गलत है फसी, क्योंकि जब हमारी बच्चियां दूसरे घर जाएंगी तो यही ट्रेनिंग उनके काम आएगी ना। जब वक्त आता है ना तो सब कर लेते हैं। यूं आता है और पता भी नहीं चलता। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अच्छा सुनो, ये सोने का भाव क्या हो गया आजकल? सोच से भी ज्यादा आप मेरे लिए सेट बनवा रहे हैं। नहीं, मैं सोच रहा था राबिया के लिए एक सेट बनवा कर रख लूं। हाँ, और नूर के लिए तो बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके स्टैंडर्ड का लड़का तो अभी शायद पैदा ही नहीं हुआ ना। फिर तंज कर रही हो तुम? नहीं, तंज नहीं कर रही, आपके बनाए हुए मयार की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि आप उसको अपने से दूर करना चाहते हैं और उसे कहीं जाना है। सच बात तो यह है कि नूर की शादी के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन तुम भी बात ठीक कर रही हो। कभी ना कभी तो वक्त आएगा, उसकी शादी होनी है, लेकिन पहले वो पढ़ लिख जाए, अपनी मर्जी का करियर सेलेक्ट कर ले, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, खुद से कमाने लगेगी, तो फिर जहाँ जी चाहे शादी कर ले। फिलहाल तुम राबिया के लिए सेट ऑर्डर कर दो, मैं पैसे दे दूंगा। एक ब्रेसलेट मेरे लिए। थैंक यू।